भाजपा के एक साधारण से कार्यकर्ता ने वो कर दिखाया जो सत्ता में बैठे नेता नहीं कर सकते। भाजपा के साधारण से कार्यकर्ता नरेंद्र गौरसी को जब इस बारे में पता चला कि शीशपाल को पैसे के बिना मैक्स अस्पताल छुट्टी नहीं दे रहा है, उसको बंधक बनाकर रखा गया है, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और लोगों से धन इकट्ठा करके अस्पताल से बंधक बनाए गए शीशपाल को छुड़ा कर घर वापस लाए। ऐसे ही एक मामला इंद्री के जम्बा का, शीशपाल पिछले महीनों से बीमारी से ग्रस्त था। शीशपाल के कई बार डायलिसिस भी किए गए लेकिन डॉक्टरों ने शीशपाल की किडनी ट्रांसफर की बात बताई। शीशपाल के परिजन बहुत गरीब हैं, उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है। शीशपाल के परिजन शीशपाल को मैक्स अस्पताल में लेकर गए, उन्होंने उसके इलाज करने के लिए 10 लाख से 11 लाख तक का खर्च बताया। शीशपाल के ताऊ रामकिशन ने बताया कि मैंने अपने भतीजे को अपनी किडनी ट्रांसफर की क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम गरीब आदमी हैं। शीशपाल के पास गांव में एक मकान था जो वो भी बिक चुका है और किसी पड़ोसी के घर पर शीशपाल अपने बच्चों को लेकर किराए के मकान में रह रहा है। आपको बता दें कि शीशपाल के दो बेटे, एक लड़की और एक उसकी पत्नी, एक छोटा भाई व माँ है। घर में सभी परिवार वाले शीशपाल के ऊपर ही निर्भर हैं और उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला उनके परिवार में नहीं है। शीशपाल के परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में किसी उच्च पद पर बैठे सत्तासीन भाजपा नेताओं ने इस परिवार की इस दुख की घड़ी में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी एक भाजपा के साधारण से कार्यकर्ता नरेंद्र गौरसी ने जब इस बात का पता किया तो शीशपाल को पैसे के बिना मैक्स अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया है, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और लोगों से धन इकट्ठा करके अस्पताल से बंधक बनाए गए शीशपाल को छुड़ा कर घर वापस लाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल है जी। बताइए शीशपाल जी, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मेरे को किडनी ट्रांसफर हुई है मेरी अभी मैक्स हॉस्पिटल से, और मेरे पास पैसे नहीं थे। कई जगह धक्के खाने के बाद फिर मेरी मास्टर नरेंद्र जी ने मंत्र किया, फिर मैं घर आया हूँ। पैसों के कारण वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वहाँ टाइम काफ़ी लग गया। फिर मास्टर जी ने मत की, तब जाके घर आया हूँ। बहुत के पास गए लेकिन कहीं से कुछ भी मदद नहीं मिली। शीशपाल का परिवार दुखी है, परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, सरकार उनकी मदद करे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। शीशपाल की पत्नी सुनीता का कहना है, शीशपाल मेरे पति हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, पैसों के चक्कर में हॉस्पिटल वालों ने उनको बंधक बना कर रखा तो हमें छुट्टी नहीं मिली। परिवार में हम 7 लोग हैं, 2 लड़के, 1 लड़की, 1 मेरी सास और 1 मेरा देवर है। कमाने वाला सिर्फ मेरा पति है, सभी इस पर निर्भर थे। हमारे पास कमाने वाला कोई भी नहीं है। हमारे पास एक मकान था, वो भी हमने बेचकर अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए लेकिन हमारे पास रहने तक की भी जगह नहीं है। हम पड़ोसियों के मकान में किराए पर रह रहे हैं। हमने इस मुसीबत की घड़ी में सभी बड़े बड़े सत्तासीन नेताओं से मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी भी बड़े नेताओं ने हमारी मदद नहीं की। तभी मास्टर नरेंद्र गौरसी ने हमारी मदद की और किसी भी नेता ने नहीं की। सरकार से मांग है कि मेरे परिवार वालों की मदद की जाए ताकि मेरे परिवार वालों का गुजारा हो सके। मेरा नाम सुनीता है जी। शीशपाल मेरे पति हैं जी। इनकी किडनी खराब हो गई थी, इसको हम मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए, पैसों के चक्कर में 25 दिन हमको छुट्टी नहीं दी। 7 जने हैं हम, कमाने वाला एक ही है, इसी के सहारा हमारा घर चल रहा था। अच्छा। तो अब कोई हालात नहीं, घर भर सारा बेच दिया हमको। अच्छा। आगे क्या कुछ नहीं रहा, पड़ोसियों के घर में किराए पे रह रहे हैं हम। तो अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं तो हमारी मदद करो। अच्छा। हमें कुछ मिले जो आगे, ये तो कमाने जोगे नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका भी तो देखना है, घर बार भी देखना है, तो हम क्या करें जिद कोई नहीं मदद करेगा तो। अच्छा। हमें आप हमारी मदद चाहिए। तो आपने आपके पास अब कोई कुछ नहीं है? हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अपना घर बार सारा बेच दिया, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मेरी सास है, 1 मेरा देवर है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 आम है। तो घुमाने वाली ये घुमाने वाला तो एक ही है, सास मेरी बुढ़ी है, मैं भी सारी आन बीमारी रहती हूँ, तो घुमाने वाला तो एक ही था। हम गरीब किराए पे बैठे हैं पड़ोसियों के घर, हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है।
भाजपा के कार्यकर्ता मास्टर नरेंद्र गौरसी ने कहा, शेषपाल गांव रंभा निवासी जो कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है, मुझे अचानक पता लगा कि शेषपाल की किडनी ट्रांसफर मैक्स अस्पताल में हुई, जो बिना पैसे के बंधक बनाकर रखा गया था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सभी अपने मित्रों और प्यारों से लोगों से संपर्क किया और उनसे धन एकत्रित किया और उनके परिवार वालों को दिया। परिवार वालों ने अस्पताल में पैसे जमा करवाकर शेषपाल की छुट्टी करवाई। शेषपाल बहुत गरीब परिवार से है। इस परिवार की मदद के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके परिवार की हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। पिछले 6-7 महीने से शेषपाल जी बहुत पीड़ित थे इस बीमारी से। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था, इनके डायलिसिस भी हुए, लेकिन उसके बाद एक गंभीर समस्या जो सामने आ रही थी कि भाई किडनी का ट्रांसफर हुआ। तो किडनी ट्रांसफर में एक गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार हो, मजदूर हो, वो इतना बड़ा खर्चा वहन नहीं कर सकता था। मैं तो उस परम पिता परमात्मा से धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर से रामकिशन जी का जो इनके चाचा हैं, जिन्होंने एक अपने जो पिता का रोल अदा किया, क्योंकि पिताजी इनके नहीं हैं, और 70 साल की अवस्था में भी उन्होंने अपनी किडनी इनको देकर इनका जीवन बचाया है। मेरे लिए रामकिशन जी एक मिसाल बनकर मेरे सामने आए कि जो मैंने अक्सर लोगों के बीच में जाता हूं, तो मैं रामकिशन जी की भी प्रशंसा भी करता हूं कि जिन्होंने एक बच्चे को जीवन दान दिया है, क्योंकि घर में कोई और इसके सिवाय कोई कमाने वाला भी नहीं है। जो मकान था इन्होंने वो भी गिरवी रख दिया। उसके बाद जब ये मेरे पास समस्या लेकर आए, मैंने कहीं यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं या जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनसे सबसे बात करी, किसी ने 10 की मदद करी, किसी ने 20 की मदद करी, इस प्रकार से कुछ धन हम जुटा पाए, एकत्रित कर पाए। और उसके बाद खुद इन्होंने अपना मकान भी बेचना पड़ा, जो निजी मकान एक कमरे का था जिसमें ये रह रहा था, आज वो भी बिक चुका है, वो भी 3.75 लाख में इन्होंने बेच दिया, और 10-11 लाख के करीब लगभग खर्चा आ गया। 9 लाख तो वहीं देना पड़ा और 2 लाख पहले से डेल्सीज वगैरह जो हुए उनमें भी बहुत भारी खर्चा आया। आज सिर्फ ये जो अगर बच्चा हमारे सामने है, तो ये रामकिशन जी का योगदान है, जो सबसे बड़ा जो इन्होंने से किडनी दी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैं उसकी टीम का एक सदस्य हूँ, मेरा उनको पता है, वो दरियादिल इंसान है, और वो अपनी दरियादिली दिखाते हुए इस केस में भी हमारी मदद करेंगे। और मैंने मुख्यमंत्री से भी इसके बारे में गुहार लगाई है कि वो कुछ ना कुछ इस बच्चे की मदद करे, ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके।